क्या इस वाले आसान टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग बड़े आराम से वर्डन को उल्लू बना सकते हैं? या फिर क्या माइनक्राफ्ट के अंदर ड्रिप स्टोन जितना ज्यादा छोटा होगा वो उतना ज्यादा डैमेज देता है? और बताओ कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट करने वाले माइनक्राफ्ट के कुछ अजीबो गरीब में। तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलते मित्र नंबर वन के ऊपर जो कि आ रहा है सीधे मशरूम से। क्या माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग मशरूम को प्लेस कर देते तो वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होना चालू हो जाता है? देखो पहली बात तो ये है, माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग खुले आसमान के नीचे मशरूम को नहीं लगा सकते। अगर लाइट लेवल 13 या फिर उसके नीचे है तभी हम लोग मशरूम को प्लेस कर सकते। या फिर एक और तरीका भी है, हम लोग माइसेलियम ब्लॉक के ऊपर बड़े आराम से किसी भी लाइट लेवल पे मशरूम को लगा सकते। अभी अपने को ये चेक करना है, अगर हम लोग लाइट लेवल 13 के नीचे मशरूम को प्लेस करते हैं तो क्या ये फैलेगा? मशरूम आ चुका है, अभी रैंडम टिक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते ताकि फटाफट काम हो भाई। कहाँ भाई मशरूम कहाँ फैल रहा है? ले ओ कर लो बात, 100% कंफर्म है भाई। माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग एक मशरूम को प्लेस करते हैं तो उससे भाई अनलिमिटेड मशरूम स्प्रेड हो सकता है। कमाल का सिस्टम है, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। खैर लेट्स गो, निकल लेते अपना दूसरे नंबर की मेथ के ऊपर जो कि है भाई क्या हम लोग हनी ब्लॉक एंड वाटर के मदद से लैडर बना सकते? चलो जी भैया ट्राई करते। अपने को पहले एक हनी ब्लॉक लगाना है एंड देन उसके ऊपर वाटर बकेट डाल देना है और ये सेम चीज अपने को करते जाना है। तो चलो जी भैया अपना हनी ब्लॉक लैडर बिल्कुल तैयार है, अभी चेक करते क्या ये लैडर की तरह काम करता है। एंड अपना आंसर है जी हाँ, बिल्कुल काम करता है। हनी ब्लॉक एंड वाटर बिल्कुल परफेक्टली लैडर की तरह काम करता है। यार कुछ भी कहो, लैडर के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर लेट्स गो, निकल लेते अपना तीसरे नंबर की मेथ के ऊपर जो कि है भाई क्या अगर हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर बोट में आग लगा देते एंड देन बोट लेके ऊंचाई से कूद जाते तो बोट का फॉल स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाता? देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग बोट में फ्लिंट एंड स्टील के मदद से आग लगाने की कोशिश करेंगे तो तुरंत भाई बोट टूट जाएगा। और तो और अगर हम लोग बोट में बैठ के आग के ऊपर से जाने की कोशिश करेंगे तब भी बोट टूट जाएगा। तो माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर बोट में आग लगता ही नहीं है भाई। लेकिन अगर हम लोग यही वाले मेथ को बेडरॉक एडिशन के अंदर ट्राई करेंगे तो मामला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर हम लोग बोट के बिल्कुल साइड में फ्लिंट एंड स्टील से आग लगा देते तो बोट आग लग जाता है, और अगर हम लोग बोट में आग लगा के देन ऊंचाई से कूद जाते तो फिर अपने को देखने को मिलता है आग लगा हुआ बोट एंड नॉर्मल बोट भाई सेम स्पीड में नीचे गिरता है। लेकिन कभी कभी मिड एयर में ही बोट गायब हो जाता है तो ये ट्राई करना काफी रिस्की है। खैर चलो जी भैया निकल लेते चौथे नंबर की मिथ के ऊपर जो कि भाई क्या माइनक्राफ्ट के अंदर आयरन गोलेम को ड्रिप स्टोन से डैमेज मिलता है? देखो माइनक्राफ्ट के अंदर कोई भी मॉब अगर एक ब्लॉक के हाइट से भी ड्रिप स्टोन के ऊपर गिरता है तो उसको डैमेज मिलता है। अभी प्रैक्टिकली देखेंगे तो आयरन गोलेम को भी डैमेज मिलना चाहिए, लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर किसी भी हाइट से आयरन गोलेम को फॉल डैमेज नहीं मिलता है। तो फिर क्या ड्रिप स्टोन के ऊपर गिरने पे आयरन गोलेम को डैमेज मिलेगा? आज एक घंटा मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलता है भाई। Somehow पता नहीं कैसे, लेकिन अगर आयरन गोलेम ड्रिप स्टोन के ऊपर गिरता है तो उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं मिलता है। अभी तुम लोग कहोगे शायद से आयरन गोलेम को ड्रिप स्टोन से किसी भी तरीके का डैमेज नहीं मिलता है। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर ड्रिप स्टोन आयरन गोलेम के ऊपर गिरता है तो आयरन गोलेम को डैमेज मिलता है। देखो अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक गोल रखते भाई 2600 लाइक प्लीज करवा दो, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो जो है निकल लेते अपना पांचवे नंबर की मिथ के ऊपर जो कि भाई क्या माइनक्राफ्ट के अंदर टीएनटी में लूटिंग 3 एंचेंटमेंट काम करता है? देखो ये तो हम सबको पता है, माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग बड़े आराम से बो के अंदर लूटिंग 3 एंचेंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने को बस लूटिंग 3 वाले स्वॉर्ड को अपने मेन हाथ में पकड़ना है एंड देन ऑफ हैंड में भाई बो का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से अगर हम लोग किसी भी मॉब को बो के मदद से मारेंगे तो उस मॉब के ऊपर लूटिंग 3 वाला इफेक्ट लग जाता है। अभी देखना ये है, अगर हम लोग यही वाला सेम टेक्निक का इस्तेमाल करके टीएनटी को फोड़ते तो क्या टीएनटी जो भी मॉब को मारेगा उसके ऊपर लूटिंग 3 अप्लाई होगा? ये गया बूम भाई। और जी हाँ बिल्कुल, अपने को एक से ज्यादा गन पाउडर मिल चुका है, मतलब लूटिंग 3 बड़े आराम से काम कर रहा है। तो हाँ जी भैया टीएनटी के ऊपर भी हम लोग लूटिंग 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर लेट्स गो, निकल लेते अपना छठे नंबर की फीचर के ऊपर जो कि है भाई क्या माइनक्राफ्ट के अंदर छोटा ड्रिप स्टोन बड़ा ड्रिप स्टोन से ज्यादा डैमेज देता है? देखो इधर अपने पास एक बड़ा सा ड्रिप स्टोन है एंड उसके बाजू में एक छोटा सा ड्रिप स्टोन है और नीचे दो फुल हेल्थ वाला विलेजर है। अभी अगर हम लोग बड़ा ड्रिप स्टोन विलेजर के ऊपर गिरा देंगे
करेंगे तो फिर विलेजर को डैमेज तो मिलेगा लेकिन विलेजर मरेगा नहीं। अभी छोटे ड्रिपस्टोन के साथ ट्राई करते हैं। अगर छोटा ड्रिपस्टोन विलेजर के ऊपर गिरता है तो विलेजर का टाएं टाएं फिस हो जाता है। भाई यार ये किस तरीके का लॉजिक हुआ, दोनों ड्रिपस्टोन सेम हाइट से गिरा है लेकिन छोटे ड्रिपस्टोन में ज्यादा डैमेज मिलता है और बड़ा ड्रिपस्टोन में कम डैमेज मिलता है। सही है भाई, जलवा है ड्रिपस्टोन का। लेट्स गो, निकल लेते अपना सातवें नंबर की मिथ के ऊपर जो कि है भाई, क्या हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर सिल्क डज वाले बुक के मदद से ग्लास को तोड़ सकते? क्या बात करते हो यार, एन्चांटेड बुक के मदद से हम लोग कैसे ग्लास को तोड़ सकते? सिल्क टच बुक के अंदर काम नहीं करता है, सिल्क टच पिकेक्स के अंदर काम करता है। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से सच है? बिल्कुल नहीं भाई। माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा भी टाइम हुआ करता था जब भाई सिल्क टच एन्चेंटमेंट बुक के अंदर भी काम करता था। 100% सही सुन रहे हो भाई। अगर हम लोग जाएंगे माइनक्राफ्ट के वर्जन 1.14 के अंदर तो अपने को पता चलेगा सिल्क टच बुक भाई बड़े आराम से ग्लास को तोड़ सकता है। और सिर्फ ग्लास को नहीं, अगर हम लोग सिल्क टच बुक के मदद से ग्रास ब्लॉक को तोड़ते तो ग्रास ब्लॉक भी मिल जाता है। और तो और सिल्क टच बुक के मदद से हम लोग लीव्स को भी तोड़ सकते हैं। यही पे खत्म नहीं होता है, सिल्क टच बुक के मदद से हम लोग टर्टल के अंडे को भी तोड़ सकते हैं। और पता नहीं क्या क्या चीजें हम लोग सिल्क टच बुक के मदद से तोड़ सकते हैं। बताओ यार, टूल में लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे सिल्क टच बुक को इस्तेमाल कर लो। चलो जी भैया, फटाफट निकल लेते अपना आठवें नंबर की मिथ के ऊपर जो कि भाई फिश बकेट। देखो ये तो हम सबको पता है, माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग किसी भी तरीके का बकेट को नाम नहीं दे सकते। जैसे कि अगर हम लोग वाटर बकेट को कोई सा नाम देते हैं एंड देन उसके अंदर के वाटर को खाली करके दोबारा से भर लेते हैं तो फिर वाटर बकेट का नाम फिर से वाटर बकेट बन जाता है। अभी इधर अपना मिथ दरअसल ये है, अगर हम लोग वाटर बकेट को नाम देते हैं एंड देन उसके अंदर कोई भी एंटिटी होता है जैसे कि फिश वगैरह तो फिर वाटर बकेट के जगह पे उस वाले एंटिटी को वो नाम मिल जाता है। क्या बात करते हो, चलो ट्राई करते। एंड ये लीजिए भैया। जी हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने बस बकेट ऑफ सैल्मन को नाम दिया था लेकिन इधर भाई सैल्मन का नाम चेंज हो चुका है। दोबारा से अगर हम लोग यही वाले सैल्मन को पकड़ लेंगे तो बकेट के अंदर भी इसका नाम सेम ही रहेगा। वाह भाई, ये बढ़िया टेक्निक है। लेट्स गो, चलते अपना लास्ट वाला मिथ के ऊपर जो कि भाई वार्डन ट्रैप। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग एक स्कल्क सेंसर के बाजू में एक ट्रैप डोर को लगा देते एंड देन उसके बाजू में एक और स्कल्क सेंसर को लगा देते तो फिर कुछ बवाल ही बन जाता है भाई। ट्रैप डोर लगातार ऑफ ऑन होता रहता है। अभी अपना मिथ दरअसल ये है, अगर हम लोग यही टेक्निक को एंशिएंट सिटी के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग बड़े आराम से वार्डन को भटका सकते हैं। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर एंशिएंट सिटी में जब भी गलती से स्कल्क श्रीकर ऑन हो जाता है एंड वार्डन स्पॉन हो जाता है, काफी डरावना सिचुएशन बन जाता है। अगर ये वाला मिथ एक्चुअली में काम करता है तो काफी यूजफुल होगा ये। चलो भैया देख लेते वार्डन को बुला के क्या ये ट्रैप वार्डन को फंसा सकता है। एंड लियो भैया कर लो बात। जी हाँ बिल्कुल फंसा सकता है भाई, वार्डन के बिल्कुल सामने ही है हम लोग लेकिन वार्डन का फोकस भाई पूरी तरीके से ट्रैप डोर के ऊपर है। अगर गलती से एंशिएंट सिटी के अंदर वार्डन स्पॉन हो जाता है तो ये सिंपल टेक्निक के मदद से हम लोग बड़े आराम से बच सकते हैं। तो चलो जी भैया आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। अगर ऐसे वीडियो देखना है तो इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।